गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूँ सुहान, आप देख रहे हैं स्लैप पॉइंट। और आज मैं ये बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। 4 हफ्ते एग्ज़ाम देने के बाद बड़ी मुश्किल में टाइम मिला है, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी के जल्दी, नहीं तो मैंने वीडियो स्टार्ट ही करनी। जल्दी करो, लगता है आ गए। हाँ, कर दिया लोगों ने। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो चलो चलते हैं। Take one, start. Good morning, sir. Good morning, बच्चों. Good morning. बैठो सर. सर बैठे ही तो हैं. देखो खड़े नहीं, खड़ा हो जाऊं सर? मैं खड़ा हो जाऊं? नहीं बता दो ना, खड़ा हो जाए तो देखिए आपके लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं, आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। शर्म की बात है सर, शर्म की बात है। हम खड़े हो रहे हैं आपके लिए, आप हमारे लिए खड़े क्यों नहीं होते? हमारे लिए खड़े हो, ये दुनिया का रूल बनना चाहिए कि सर को खड़ा होना चाहिए, बच्चों को नहीं। क्यों क्यों? आजकल के टीचर बच्चों को समझते कुछ कर ही नहीं सकते, आराम से बैठे रहेंगे। टेक टू, एक्शन। सर 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 सर, मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है बेटा? सर हम जैसे गिने चुने बच्चों को, जैसे मैं, क्यों बुलाया गया है बताइए सर। क्या है ना, जो तुम्हारे जैसे अच्छे बहुत ही बेकार नकारा जिनका कोई फ्यूचर ही क्या, नहीं क्या, है, क्या कुछ भी, बच्चों को बुलाया है। और जो बच्चे जिनका फ्यूचर ब्राइट है, सबसे ऊपर रहेंगे वो, उनको हमने घर बिठाया है। क्यों? उनका तो हमें पता है वो पास हो जाने वाले हैं, लेकिन तुम जैसे फेल होने हैं ना, इसलिए बुलाया है। नहीं बेमतलब में सब नहीं, क्या है ये, क्या है? हम अपनी बेइज्जती कराने आए हैं, पढ़ लिखने आए हैं। तुम जैसे सर तो पता नहीं, शायद ये रूल ना तुम जैसे सर पर भी एग्जिस्ट होता है, क्योंकि पूरे क्लास में सिर्फ आप ही प्रेजेंट हो ना। आजकल के सर सोचते हैं बच्चे तो मजाक ही नहीं उड़ा सकते, वो अपना आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन हम वैसे नहीं हैं यार। अब क्या करें, आराम से ऑनलाइन क्लास ले रही है, क्या करें अब, क्या करना है? टीचर तो कुछ कह नहीं पाएगा, देख ही नहीं सकता, कैमरा ऑफ कर रखा है यार। hey, तू ऐसे क्यों बैठा है? सर आपने कब से देख लिया? सॉरी सर, अगली बार से नहीं बैठूंगा, देखो। सॉरी सर, सॉरी 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 सर, मम्मी को ना बताना प्लीज, सॉरी सर, सॉरी 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 सर। बेटा मैंने सर तुम्हें नहीं राहुल को कहा था, तुम क्यों, अगर तुम भी बैठे हो कैमरा ऑन कर, कर रहा हूँ, अगली बार से कैमरा बंद मत करना क्लास में। टेक थ्री, सीन थ्री, एक्शन। बेटा बताओ, व्हाट इज इरिगेशन एंड हाउ डज इट वर्क्स? सर इरिगेशन इज कॉल, देन इट इज कॉल इरिगेशन। ठीक है सर। कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था तुम्हारे कंप्यूटर में? यस सर, यस सर, क्योंकि मुझे ये सुना, इट इज इरिगेशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, समझाएंगे ये जरा अपने शुद्ध? सर देखो इन वर्ड्स का मतलब सिर्फ मेरे जैसे आर्टिस्ट जान सकते हैं, जैसे कि राहुल, जैसा कि आपने बताया था पहले से मैं कितने आपने शुद्ध वर्ड यूज़ करे थे ना, वही बच्चे ये समझ सकते हैं। आप तो अब टीचर बन गए, आप तो अब समझ नहीं सकते ना, अब क्या करें, बुढ़ापा आ गया है, अब आपको रिटायर नहीं होने जाना चाहिए सर। मुझे पता चल रहा था कि तुम्हारे पीछे की जो हवा है ना, ये वो हिल रही थी बेटा। टीचरों से ज्यादा चलाकी ना करो, क्योंकि टीचर तुमसे ज्यादा चलाक है, टीचर भी इसी एज से गुजर
सोच रहे हैं। सर आप भगवान हो, अंतरिया भी हो, हमें छोड़ दो, माफ कर लो, माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो। सो हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो जरूर करना, और सब्सक्राइब तो बनता है यार, क्योंकि 4 हफ्तों बाद मेरी वीडियो आई है और बड़ी मुश्किल लगी है वीडियो बनाने में। इससे पहले तुम कहो क्यों 4 हफ्ते लगे, वो 4 हफ्ते मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम में खप गया था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर तुम अपनी टीचर्स के यार ऐसी चलाकी करोगे ना तो मरोगे बेटा, पता मुझे मरोगे, मैं बता रहा हूँ, इसलिए करना मत, करना मत, छूना भी ना टीचर्स को, क्योंकि फिर तुम फिश फिश। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।